2022 को महाराष्ट्र में रहने वाले विकास नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन पर चला गया, क्योंकि उसका बेटी का कुछ दिनों से कोई कॉल पर बात नहीं हो पा रही थी, ना ही कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहा था। पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट दर्ज की तो पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में जो पाया वो दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि वो बहुत ही भयानक स्टोरी था। ये बताने में मेरा रूह कांप जाता है। चलिए आप लोगों के खातिर बोल ही देता हूँ, क्योंकि सतर्क रहने के लिए ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है। सन 2018 में विकास की बेटी यानी श्रद्धा नौकरी वगैरह करने के लिए पालगढ़ से मुंबई पहुंच गए। यहाँ के मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करने लग गए। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब अमीन पुनावाला नाम की लड़का भी नौकरी करते थे। इन दोनों के बीच 9-10 महीने में एक दूसरे के साथ पहचान हुई, नंबर वगैरह ली, सोशल मीडिया पे आईडी एक्सचेंज हुई, धीरे धीरे प्यार में बदला। अब दोनों ने सोचा क्यों ना हम एक साथ रहे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। यही सोच के मालद में ही एक कमरा लेके लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। 2019 के शुरुआत में श्रद्धा अपने परिवार से मिलने सीधा पालगढ़ गई। उसकी माँ सुमन को आफ्ताब के बारे में और लिविंग के बारे में सब कुछ बताया और बोला हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तब उसकी माँ ने समझाया और दो अलग अलग रिलीजन जो कि शादी करना संभव नहीं है तो उसको सब कुछ समझाया, लेकिन वो गुस्सा होकर बोला अगर मैं शादी कर लूँगा तो सिर्फ आफ्ताब से ही करूँगा, और वो सामान पैक करने लगे। वो उसकी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और वो पालगढ़ से सीधा मुंबई पहुँच गए और वही रूम में रहने लगे। श्रद्धा की माँ ने उसे कॉल करके भी समझाया लेकिन वो नहीं मानी, वो आफ्ताब के साथ लिविंग में रहना जारी रखी। फिर जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ सुमन की मौत हो गई। तब श्रद्धा ने वापस अपने घर आया और सब कुछ रस्में पूरा करके वापस मुंबई आ गई। मुंबई में आने के बाद श्रद्धा की पिता से श्रद्धा की सिर्फ दो बार ही कॉल पे बात हुई थी, और इन दोनों बार ही श्रद्धा की पिता ने श्रद्धा से पूछा क्या तुम अपना इरादा बदले हो, क्या तुम अपने घर वापस आना चाहते हो, क्या तुम अब तक को छोड़ सकते हो। लेकिन श्रद्धा अपना पूरा मन बना लिया था कि वो अब तक के साथ रहेगी। वो ये भी कह रही थी कि उसे कोई बार अब तक मारपिटाई करती थी लेकिन वापस आके अब तक सॉरी भी बोलती थी। जब श्रद्धा की बाप ने ये सुना तो उसे बुरा लगा और कहा देखो अगर मारपिटाई करती है तो अभी आ जाओ, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ और भी बढ़ सकती है। लेकिन श्रद्धा साफ मना किया और उसको पापा की बात नहीं समझ पाई और बोला जो भी हो जाए मैं आप सबके साथ ही रहूँगी, क्योंकि उसके पापा के साथ आप सबको लेकर उसकी नोकझोंक हो गई थी तो ना कल करना लाजमी है। लेकिन बाप तो बाप ही होता है। उसके पिता उसे कॉल करने के बजाय उसकी दोस्तों को कॉल करना स्टार्ट किया ताकि श्रद्धा की खबर रख सके, लेकिन दूसरों को कॉल करके अपनी बेटी के बारे में पूछना बुरा लगता है। श्रद्धा के पिता और उसके भाई ने अलग तरीका निकाला, वो है सोशल मीडिया। वह श्रद्धा बहुत ही एक्टिव रहती थी। श्रद्धा जहाँ पर भी जाती थी, जो भी खाती थी, सब कुछ स्टेटस पोस्ट पर शेयर करती थी, और वहाँ से ही श्रद्धा की पिता और भाई ने पता लगाता था कि वो कैसी है। यहाँ दूसरी तरफ आफ्ताब के घर में भी पता चल गया कि आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में कुछ है, दोनों लिविंग में रहते हैं, दोनों के बीच प्यार चल रहा है। तो आफ्ताब के घर में भी हंगामा हुआ, आफ्ताब के ऊपर गुस्सा वगैरह किया और बोला तुम दोनों का आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग है। ऐसी बात सुन के आफ्ताब और श्रद्धा ने सोचा अगर एक होना है तो इस मुंबई को ही छोड़ना होगा, और दोस्तों वगैरह के साथ बात की और 8 मई 2022 को दिल्ली जाके वह एक दोस्त के पास गया और सारा मैटर समझाया। तो दोस्त ने D93/1 नाम का एक छतरपुर में ही फ्लैट दिखाई और दोनों ले लिया, दोनों आराम से रहने लगी। श्रद्धा रोज़ की तरह सोशल मीडिया पे एक्टिव रही थी और खुश दिखाई देती थी, लेकिन एक दिन सारा सोशल मीडिया पे पोस्ट या स्टेटस आना बंद हो गया। श्रद्धा की भाई और श्रद्धा की पिता ने श्रद्धा की स्टेटस पोस्ट की इंतज़ार करने लगे, लेकिन दिन से हफ्ता हफ्ता से महीना निकल गया, कोई नया अपडेट नहीं आया। हद तो तब हो गई जब श्रद्धा की पिता और भाई ने श्रद्धा को कॉल करना चाहा तो बंद मिलने लगा। ये सब देख के दोनों टेंशन में रहने लगे। एक दिन श्रद्धा के भाई के पास श्रद्धा की दोस्त का कॉल आया और
श्रद्धा के दोस्त ने पूछा, श्रद्धा कहाँ पर है, काफ़ी दिनों से फोन नहीं मिल रहे हैं। तब श्रद्धा की भाई ने बोला, हम भी बहुत दिनों से कॉल कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं लग रहे हैं। अगर तुमको कोई नंबर या कोई जानकारी मिले तो हमें भी बताना। कोई खबर ना पाके श्रद्धा की पिता और भाई ने जानकारी के लिए सारे दोस्तों को कॉल वगैरह किया और ये मालूम पड़ा कि वो लोग दिल्ली में छतरपुर में इलाके में रहते हैं। श्रद्धा की पिता और भाई अब चाहते थे कि श्रद्धा जैसे चाहे तैसा रहे, बस उसका हाल वगैरह पूछने के लिए टास में रहे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर सितंबर में श्रद्धा की भाई और पिता ने लोकल बालगढ़ पुलिस स्टेशन में सारा मामला बता के एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। बालगढ़ थाने से सीधा मेहरोली थाने में ट्रांसफ़र किया। रिपोर्ट ट्रांसफ़र होते होते नवंबर की लास्ट में पहुंचा। रिपोर्ट पहुंचते ही पालघर से श्रद्धा की पिता और भाई को मेहरोली बुला लिया। वो लोग आके केस की कुछ लिंक्स दिया और आफ्ताब का नंबर वगैरह दिया। पुलिस तुरंत आफ्ताब का नंबर ली, नंबर वगैरह ट्रैक किया। आफ्ताब की लोकेशन पता चलते ही पुलिस फ्लैट पर पहुंची। आफ्ताब फर्स्ट फ्लोर पर रहा करता था। जब पुलिस लोगों से पूछा कि आफ्ताब कहाँ रहता है तो ऊपर की तरफ इशारा किया। पुलिस ऊपर जाकर आफ्ताब का रूम को खटखटाया तो आफ्ताब दरवाज़ा खुला, लेकिन पुलिस वालों को देख के आफ्ताब बिल्कुल नहीं घबराया और सारा जवाब देता रहा। जब आफ्ताब से श्रद्धा के बारे में पूछा तो बोला, हमारा लड़ाई हो चुका था 18 मई को और वो उसी दिन चली गई थी। जाते समय ये कहकर गई थी कि मुंबई जाएगी और फ़ोन करने के लिए भी मना किया। और आफ्ताब ने बताया कि मेरा नौकरी की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, उसको कई बार फ़ोन किया लेकिन बंद आ रहा था। तब पुलिस ने आफ्ताब की फ़ोन लिया और कॉल हिस्ट्री चेक की तो 19 मई के बाद एक भी कॉल नहीं मिले। जब पुलिस ने आफ्ताब को और एक दो सवाल की तो पुलिस ने समझ गए थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तब आफ्ताब को पुलिस ने पकड़ कर थाने में लाके अच्छे से पूछताछ वगैरह स्टार्ट की तो आफ्ताब ने जो भयंकर स्टोरी बताई, ना सिर्फ आपको बल्कि जिसने इस स्टोरी सुनी है उसका दिल अंदर से दहल गया। एक सीधा साधा बंदा इतना भयंकर कैसे हो सकता था? जी हाँ, इतना भयंकर स्टोरी था। पुलिस को आफ्ताब ने बताया कि फ्लैट मिलने के बाद अक्सर श्रद्धा और उसके बीच शादी को लेकर छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती थी, क्योंकि श्रद्धा शादी करनी चाहती थी लेकिन आफ्ताब बार बार टाल रहा था और लड़ाई हो जाता था। श्रद्धा आफ्ताब को बहुत परेशान करती थी क्योंकि उसे शादी करना है लेकिन आफ्ताब बार बार मना कर रहा था। फिर आया 18 मई श्रद्धा के लिए आखिरी दिन बनी, क्योंकि 18 मई को जब फिर से लड़ाई हुई तो आफ्ताब ने सीधा श्रद्धा के ऊपर बैठ गया और श्रद्धा के गला दबाया। गला तब तक दबाता रहा जब तक श्रद्धा की मौत नहीं हुई। फिर श्रद्धा को मर्डर करने के बाद आफ्ताब वहाँ बैठा रहा। फिर रात हुई तो वही रूम में ही लाश के साथ सो गई। नेक्स्ट डे सुबह ही मार्केट में जाके फ्रिज, आरी, पोलिथीन, केमिकल्स और बैग खरीद कर सीधा रूम में पहुँचे। मार्केट से रूम में आते ही श्रद्धा की लाश को बाथरूम खींचकर ले गया और बॉडी को टुकड़े टुकड़े करना स्टार्ट किया। श्रद्धा की बॉडी की छोटी छोटी टुकड़े की और पोलिथीन के अंदर एक एक टुकड़ा रैप करके बांध लिया और सारे पोलिथीन से बांधे हुए टुकड़ों की फ्रिज में रख दिया। काम निपटाने के बाद बाथरूम में जो खून वगैरह थी वो केमिकल से साफ कर दिया ताकि फॉरेंसिक जांच होने पर कोई निशान ना मिले। जब भूख लगा तो जोमेटो से खाना मंगाया, कुछ खाया, बाकी उसी फ्रिज में रख दिया। उसी फ्रिज में पानी, फ्रूट्स और दूध भी रखा हुआ था और साइड में श्रद्धा की लाश के टुकड़े भी थी। बाद में वो उसी रात को 2 बजे उठा और बाजार में से लाया हुआ बैग में श्रद्धा के बॉडी की टुकड़े एक दो उठाई और मोहरली के एक जंगल में पैदल से लगाया और वहाँ फेंक दिया। नेक्स्ट डे उसके दिमाग में आया कि इस बॉडी की टुकड़े को और क्यों ना छोटा छोटा किया जाए ताकि डिस्पोज हो जाए। ऐसे ही डेली 2-3 टुकड़े लेता और छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक के आता। सुन के आप शॉक हो जाएंगे क्योंकि इस टुकड़े को फेंकने में कुल 18 दिन समय लगा। श्रद्धा की सारे बॉडी के टुकड़े को फेंकने के बाद
एक बार घर की सफाई की, लेकिन फिर इसको साफ नहीं किया। 6 महीना बाद जब पुलिस पकड़कर सारा स्टोरी सुना तो कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस ने जितना सुना और आगे के सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। सारा स्टोरी आने के बाद आप लोगों को ज़रूर सारा मामला पहुँचाऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छे लगे है तो और कुछ आपको जानकारी मिले है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।